आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते थे। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वचन देहधारी हुआ, उसने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। उसके अनुग्रह की परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा की गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु एकमात्र परमेश्वर पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसे प्रकट किया। देखकर जहां की हालत को यूं तरस खाया उसने, छोड़कर आसमां को जमीन पर आशियां बनाया उसने, मुंह फेर कर क्यों चला, फिर भी ऐ नादान इंसान तेरी ही खातिर अपने आप को सूली पर चढ़ाया उसने। कुर्बान हो गया वो पापी जहां के खातिर, सूली पे चढ़ गया वो जग के गुनाह के खातिर, जग के गुनाह के खातिर। बख्शी हमें आजादी कुर्बानी मेरे मसीह की, सुनी जहान है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की। जुल्मी जहान है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की। हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। हाय तुम पर, क्योंकि तुम छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते हैं। हे गुरु, इन बातों को कहने से तू हमारी निंदा करता है? और तुम हे व्यवस्थापको, तुम पर हाय, तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्यों पर लाटते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। हाय तुम पर, तुम उन भविष्यवक्ताओं की कब्रें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे ही बाप दादों ने मार डाला था, सो तुम गवाह हो और अपने ही बाप दादों के काम में सहमत हो, क्योंकि उन्होंने तो उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है,
कि मैं उनके पास भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगा और वे उनमें से कितनों को मार डालेंगे और कितनों को सताएंगे, ताकि जितने भविष्यवक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है सबका लेखा इस युग के लोगों से ही लिया जाए। हबील की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक जो वेदी और मंदिर के बीच में गाद किया गया, मैं तुमसे सच कहता हूं उसका लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। उसे हमसे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? हाय तुम पर व्यवस्थापकों, कि तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। जब यीशु वहां से निकला तो शास्त्री और फरीजी बहुत पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वो बहुत सी बातों की चर्चा करे और इस घात में लगे रहे कि उसके मुंह की कोई बात पकड़ें। हे रब्बी, भोजन से पहले हाथ धोने से इनकार कर तुमने हमारे पुरखों की परंपराओं का अपमान किया है। हम लालच और दुष्टात्माओं से भी भरे हैं, ये कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और हम मूर्ख नहीं हैं? हम न्याय को अनदेखा नहीं करते। तुम हमें परखने और डांटने वाले होते कौन? और हाँ, क्या हर जगह लोग तुम्हें नमस्कार नहीं करते? हाँ, हम ऊंचा पद लेते हैं क्योंकि लोग हमारा सम्मान करते हैं। ये हमसे चलता है? हमें कब्र पुकारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हम लोगों को कानून के बारे में सच बताते हैं। उनको समझाने के लिए हमें नियम और सिद्धांतों का सहारा लेना पड़ता है। हमें बता, याजकों के मकबरे बनाने में क्या बुराई है? तेरी शिक्षा ग्रहण करने का अर्थ ये नहीं कि हम लोगों के लिए रुकावट है, यद्यपि हम उन्हें सत्य बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना, कुछ ढपा नहीं जो खोला न जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। हे गुरु, मेरे भाई से कहो मेरे पिता की संपत्ति मेरे साथ बांटे। हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारी न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुत आयत से नहीं होता। हमें संपत्ति के बारे में और बता। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने उससे कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखरियां तोड़कर उनसे बारी बनाऊंगा और वहां सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है।
हमें संकेत कर रहा है। तुम्हारे कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वो ब्याह से कब लौटेगा, कि जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंग लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हे प्रभु, ये दृष्टांत तो हमसे यह सबसे कह रहा है। वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर सीधा दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं वह उसे अपनी सब संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। परंतु वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने और खाने पीने और पियकर होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन की वह उसकी बात जोता न रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता न हो आएगा और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत मांगेंगे। हमें अंतिम दिनों के बारे में बता। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और क्या चाहता हूं कि केवल यह कि वह आग अभी सुलग जाती है। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह न हो ले तब तक कैसी संकेति में रहूंगा। जब बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी और ऐसा ही होता है, और जब दक्षिणा पवन चलती देखते हो तो कहते हो कि लू चलेगी और ऐसा ही होता है। हे कपटियो, तुम धरती और आकाश के रूप में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते और तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है। उन गलीलियों का क्या जिनकी एक साथ हत्या कर दी गई थी। पिलातुस ने रोमियो सिपाहियों को मार डालने की आज्ञा दी थी। उन्होंने उनका लहू भी उनके बलिदान के साथ पिलाया था। क्या वो गलीली सबसे अधिक पापी थे। और सुना कि गुंबद का क्या। हाँ, और 18 लोग मर गए थे। क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से पापी थे। क्या
कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलो का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। किसी मनुष्य की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, सो आगे को फले तो भला, नहीं तो इसको काट डालना। मोहब्बत दिखा के जो यीशु के पीछे चला था, मोहब्बत दिखा के जो यीशु के पीछे चला था, इस चेहरे के पीछे बेवफा, इस चेहरे के पीछे बेवफा एक चेहरा छिपा था। ओ मोहब्बत दिखा के जो यीशु के पीछे चला था। सबत के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था और देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल कर देने वाली आत्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी भी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। चाहिए सो उन्हीं दिनों में आकर चंगे हों, परंतु सबत के दिन नहीं। हे कपटियो, क्या सबत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या अपने गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? और क्या उचित न था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, वह सब के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती?
जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वो करता था आनंदित हुई। यरूशलेम में स्थापना पर्व हुआ और जाड़े की ऋतु थी और यीशु मंदिर में सुलेमान के औसारे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा। तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमें साफ कह दे। मैंने तुमसे कह दिया और तुम प्रतीति करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं वही मेरे गवाह है, परंतु तुम इसलिए प्रतीति नहीं करते कि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश न होगी और कोई उन्हें मेरे नाम से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के नाम से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक है। ये परमेश्वर की निंदा है। हाँ, इस पर पत्थरवाह करो। हाँ, इस पर पत्थरवाह करो। ये अपने आप को परमेश्वर के बराबर समझता है। मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उसमें से किस काम के लिए तुम मुझे पत्थरवाह करते हो? भले काम के लिए तुम्हें पत्थरवाह नहीं करते, पर परमेश्वर की निंदा के कारण। इसलिए कि तुम मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बताता है। क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात लोप नहीं हो सकती, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहरा कर जगत में भेजा है तुम उसे कहते हो कि तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। आवाज तुझको दे रहा है आगुने गारा जा, मार्ग हूं मैं मुक्ति का, आ तू मेरे पास आ जा। ऐसी बुलाहट है तेरे लिए मेरे प्रभु की आस, कलवरी से बह रही है खून की जो बह रही है खून की जो धारा।